नमस्कार, खबर 22 पेज में आप सबका स्वागत है। एक बार बता दें सभी दर्शकों को, हम बता दें कि ये लाइव तस्वीर जो है वो अजमेर के दरगाह शरीफ से, ख्वाजा नेमुद्दीन के दरगाह शरीफ से आपको सीधी लाइव तस्वीर पहुँचा रहे हैं। एक एक तस्वीर के लिए हम पहुँचे हैं इस समय दरगाह, ख्वाजा करीम नवाज के दरगाह में, और तमाम वो तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है मुरीदान या इनके चाहने वाले जो है वो दूर दूर से यहाँ तशरीफ़ लाकर जो है अपनी मनोकामना के लिए दुआएं करती है। जो उनकी नेक दिली जो मनोकामना है वो इस गुंबद के नीचे जो मजार शरीफ है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और फिर अपनी एक अपने लिए जो है वो दुआएं करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए वो और अपने परिवार के लिए, सेहत के लिए तमाम वो दुआ करते हैं लोग। मुरीदैन या उनके चाहने वाले उनके दूर दूर से तशरीफ़ ला करके इस जगह पर बैठती है। आपको दिखा दें, ये जो है उनके एक मेन गेट है मज़ार में जाने के लिए। ये देखिए जहाँ पे खादिम, अगर आपको लगता है अगर आप दरगाह शरीफ पहुँचते हैं तो किसी के खादिम के मार्फत अगर पहुँचते हैं तो इस दरवाजे से आपको लेकर के अंदर जाता है। और दूसरी आम पब्लिक के लिए जो दरवाजे हैं ये इस तरफ है। देखिए आप अगर बगैर किसी खादिम के सहारे से जाते हैं तो एक लंबी कतार में आपको लगनी पड़ती है और फिर धीरे धीरे आपको मजार शरीफ में पहुंचने की अनुमति दी जाती है। हालांकि ये गलत है या सही इनकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो यहाँ के जो एक रीति रिवाज बन करके आई है कि आप किसी के मार्फत यहाँ के जो दरगाह शरीफ के जो खादिम है उनके मार्फत अगर आते हैं, उनके मार्फत अगर हैं तो फिर उनके मार्फत अगर आते हैं तो फिर यहाँ पे दिखाए। देखिए यहाँ की जो है कितनी जलाली है, देखिए कुछ लोग जो है दरगाह के ऊपर हैं, ये मीनार के ऊपर आपको दिखाई दे रही है 3 लोग। आपके बता दें कि एक लोग खुद किस्मत वाले हैं जो ख्वाजा शरीफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के जो मीनार को साफ कर रहे हैं आज, और उन खुशनसीबी होगी इनकी कि ऐसे नेक काम करने की इनकी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा रहे हैं। आपको सीधी लाइव तस्वीर हम ख्वाजा के दरबार से, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार से आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम मेहमान आना जो दूर दूर से आए हैं वो अजमेर शरीफ की ज्यारत के लिए पहुंचते हैं, ख्वाजा की मज़ार की ज्यारत के लिए पहुंचते हैं, वहां पे अपनी मनोकामनाएं जो लेकर के आते हैं, जो दिली मनोकामना होती है वो फरियाद लेकर के आते हैं और फिर ख्वाजा के दरबार में आकर के जो है वो मांगते हैं। आपको हम एक एक तस्वीर जो है देखिए, इनकी जो गुंबद की सफाई चल रही है और 3 लोग ऊपर चढ़े हैं और इनकी जो गुंबद की सफाई हो रही है आपको दिखा दें कि देखिए किस तरह से इनकी सफाई की जाती है। आज के दिन ख़ास तौर पर जो है इनकी सफाई हो रही है और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं दरबार, इसके ख्वाजा के दरबार में और मजार शरीफ में लोग जो है मन्नतें लेकर पहुँच रहे हैं। आज हम जो है बड़े खुशनसीब है जो इनके दरबार पर आने का मौका मिला है, और खबर 22 की टीम जो तमाम दर्शकों के लिए दुआएं मगफरत कर रही है। एक एक तस्वीर आप यहां से जो है लेकर के आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो ख्वाजा शरीफ जो जो तस्वीर है उन तमाम दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे खबर 22 के टीम है सदस्य हैं जो दर्शक हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये लाइव तस्वीर हम पहुँचा रहे हैं ख्वाजा के दरबार से, यानी गरीब नवाज के दरबार से, अजमेर शरीफ से ये
तस्वीर आप तक पहुंचा रहा हूं, आपको दीदार कर रहा हूं, आप लाइव तस्वीरों में उनकी एक एक जो है घर बैठे उनके दीदार कर रहे हैं। सीधे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो है मुरीदों की भीड़ लगती है, एक एक जो है लोग दूर दूर से मन्नतें लेकर के पहुँच रहे हैं, दूर दूर से लोग जो है मन्नतों के लिए पहुँच रहे हैं और तमाम वो तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं खबर बाईसी के माध्यम से। हालांकि देश और दुनिया की हर तमाम वो छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचाते रहते हैं, जिसको लेकर हम जो है अजमेर के दरगाह शरीफ में पहुँचे हैं और वहाँ से सीधे लाइव तस्वीर आपको पहुँचा रहे हैं। देखिए आम पब्लिकों के लिए ये गेट होती है और यहाँ से आम पब्लिक जो है वो खाजा के मजार शरीफ में प्रवेश करते हैं, लोग जो है इन्हीं के रास्ते से मजार शरीफ के अंदर जाते हैं और अपनी जो है मुरादें लेकर जो पहुँचते हैं, जो दिली ख्वाहिश होती है, जो नेक दिली ख्वाहिश होती है, उन तमन्नाओं को यहाँ पे खाजा शरीफ के ख्वाजा के दरबार में पेश करते हैं। और दूसरी दरवाज़ा इधर से है जहाँ से जो है मुरीदन के द्वारा जो अंदर जाई जाती है, फिर चादरपोशी की जाती है। नहीं नहीं तो पैसे क्या लेते हैं।